हेलो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं जोधपुर और मेरे लेफ्ट साइड में है जोधपुर का रेलवे स्टेशन। यहाँ का रेलवे स्टेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं जब जब यहाँ पर आया हूँ रेलवे स्टेशन हमेशा नीट एंड क्लीन मिलता है। और यहाँ पे एक कैंटीन थी या है मुझे याद नहीं, उसका नाम शायद जनता रेस्टोरेंट है। वहाँ का ब्रेड पकौड़ा बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत मस्त होता है। अगर आप लोगों ने ट्राई किया है तो कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। और अब हम जहाँ रहने जा रहे हैं उस जगह का नाम है भेरू बाग जैन श्वेतांबर पार्श्वनाथ टेम्पल। तो ये जो जैन टेम्पल है इसमें धर्मशाला भी बनी हुई है। मोस्टली हर जैन टेम्पल में धर्मशाला रहती है ताकि यहाँ पे यात्री रह सके। तो जब मैं यहाँ पे आया था करीबन 5 बजे थे, और वैसे मैं यहाँ पे 20 ईयर्स बाद आया हूँ तो काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी है ये। और इसी वजह से मैं एक्साइटिंग में ये सब कुछ देख रहा था, तो एक्साइटिंग में मैंने कैमरा ऑन ही नहीं किया, तो उसके लिए सॉरी। तो हमें सेकंड फ्लोर मिला है, सेकंड फ्लोर में कॉर्नर रूम मिला है। मेरे मम्मी पापा भी नीचे गए हैं भोजनशाला में, होप सो खाना मिल जाना चाहिए इस टाइम। वैसे 7, 7:15 बजे यहाँ पे काफ़ी अंधेरा हो जाता है। मैं नीचे नहीं गया, काफ़ी थक चुका हूँ, तो अभी ऊपर ही हूँ। तो आप लोगों को यहीं से मैं ये धर्मशाला का व्यू दिखा देता हूँ। वैसे तो रूम के अंदर खाना खाना अलाउड नहीं है, लेकिन अगर कोई बीमार हो या फिर बुज़ुर्ग हो ओल्ड एज का या छोटा बच्चा हो तो उसके लिए परमिशन लेके खाना ला सकते हैं। कुछ रूल्स हैं, बहुत सिंपल रूल्स हैं, वो फॉलो करने पड़ते हैं यहाँ पे रहने के लिए। वैसे तो 3 दिन से ज़्यादा रहना अलाउड नहीं है, लेकिन कोई कारण हो विशेष तो आप यहाँ से परमिशन ले सकते हैं। और बहुत ही सिंपल रूल है कि आप इस धर्मशाला को नीट एंड क्लीन रखिए, यहाँ वहाँ कचरा ना फैलाएं, सिर्फ डस्टबिन में ही कचरा डालें, ड्रिंक ना करें और कार्ड्स प्ले करना, जैसे कि पिकनिक मनाने नहीं आए हम यहाँ पर, हम यहाँ पर सिर्फ स्टे करने आए हैं या फिर टेंपल देखने आते हैं तो स्टे करते हैं, उस तरह से हम आए हैं तो वैसे ही रहें। यहाँ पे रूम्स काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे मिल जाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी सुविधा है जेंट्स के लिए। हाँ, आपको यहाँ पे जैन होने का आई कार्ड दिखाना पड़ेगा, तब आप लोगों को अलाउ है यहाँ पे रहना। तो दोस्तों, जब आप लोग इस मंदिर में एंटर करेंगे तो मेन गेट की ठीक सामने बहुत ही सुंदर मंदिर है श्री पार्श्वनाथ प्रभु जी का। तो आप लोग उस मंदिर के अंदर जरूर जाइए, बहुत अच्छा लगेगा आपके मन को, बहुत शांति का अनुभव होगा। बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत नक्काशीदार है, और जो मेन भगवान की मूर्ति है उसके पीछे बहुत ही सुंदर सा छोटा सा म्यूजियम है, जिसमें चित्रों के द्वारा आप लोगों को बताया गया है कि श्री पार्श्वनाथ प्रभु जी कौन थे, वो कैसे तीर्थंकर बने। जैसे हमने ओसिया जी में देखा था ना जैन टेम्पल में चित्रों के माध्यम छोटा सा म्यूजियम, ठीक वैसे। और ये सामने है भोजनशाला। तो मैं यहाँ पे करीबन 20 साल पहले आया था, तब हमने यहाँ पे स्टे नहीं किया था, हम ये मंदिर देखने आए थे और हमने यहाँ पे लंच किया था। तो वहाँ पे सामने है भोजनशाला और वो राइट साइड मतलब एल शेप में इस तरह से बना हुआ था, रूम्स बने हुए थे तब भी, लेकिन हमने यहाँ पे स्टे नहीं किया था, स्टे हमने और कहीं पर किया था। और यहाँ पे स्टेयर्स है, लिफ्ट है और उस साइड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो मैं इसलिए ज़्यादा आगे नहीं गया। और आप देख सकते हैं यहाँ के स्टेयर्स भी कितने से छोटे छोटे स्टेप्स हैं, तो मुझे लगता है काफ़ी ईजीली है। कुछ जगह बहुत बड़े स्टेप्स होते हैं, इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ। और यहाँ का जो भोजनशाला है उसका एक फिक्स टाइमिंग रहता है, और अगर भोजनशाला क्लोज हो चुकी है और आप लोग यहाँ पे स्टे कर रहे हैं, और कई बार क्या होता है कि और टाइमिंग रहते हैं ट्रेन फ्लाइट्स की, उस टाइम आपको अगर कुछ दूध चाय कॉफ़ी चाहिए तो यहाँ पे नीचे कैंटीन भी खोली गई है, तो वहाँ पे आप ऑर्डर कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर हम लोगों को मिलेंगे रहने के लिए एसी रूम्स, नॉन एसी रूम्स, अटैच वॉशरूम टॉयलेट्स, अटैच बाथरूम, और इसके साथ कॉमन बाथरूम वॉशरूम भी है। और साथ में मुझे अभी पता चला है कि यहाँ पे डोरमेट्री की सुविधा भी है, तो ये काफ़ी अच्छा है। और वैसे ये सारे ही रूम्स आपको रीजनेबल प्राइस पर मिलेंगे, और जो रूम है वो काफ़ी स्पेसियस है, नीट एंड क्लीन है एकदम सिंपल लेकिन काफ़ी नीट एंड क्लीन और काफ़ी कम्फर्टेबल है। और वहाँ पर सामने जो क्लॉथ्स ड्राई करने के लिए जगह है अलग से बना रखी है, और साफ लिख रखा है वहाँ पे रूल कि इस तरह से रेलिंग पर क्लॉथ्स ना डालें, यानी उन्होंने हर जगह मतलब नीट एंड क्लीन कर रखा है। आपको रहना यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा।
और ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे रहने का वो ऑक्यूपाइड है सीसीटीवी से, तो वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ का जो स्टाफ है काफ़ी फ्रेंडली है, काफ़ी पोलाइट है, कोई भी हेल्प हो आप उनसे बोलिए, वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। तो एक साइड बनी हुई है ये धर्मशाला, दूसरी साइड बना हुआ है मेन गेट के आगे मंदिर, और मंदिर और मेन गेट के बीच में जितनी जगह है ना वहाँ पे बहुत अच्छे पेड़ पौधे लगा रखे हैं, बैठने की बहुत अच्छी जगह है, और छोटे छोटे और भी मंदिर है जो हम कल मॉर्निंग में देखेंगे। और वहाँ पे अगर हम यहाँ पे रह रहे हैं, सुबह यहाँ पे वॉक करें साथ मंदिर के आगे, और सुबह सुबह हम आरती सुने, शाम को हम आरती सुने, और शुद्ध सात्विक भोजन मिलता है यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा अनुभव होगा आपका यहाँ पे अगर आप स्टे करते हैं तो। और साथ में यहाँ पे एक जगह लिस्ट भी दे रखी है, अगर आप जोधपुर में फर्स्ट टाइम आए हैं, जोधपुर के बारे में आपको नहीं पता है कि जोधपुर में और जोधपुर के आसपास आप कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं, तो वो लिस्ट भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। तो ये जो जगह है वो एयरपोर्ट के भी काफ़ी पास है, विद इन 6 to 7 किलोमीटर्स एयरपोर्ट है। और एक और मेन रेलवे स्टेशन है जोधपुर में, राय का बाग पैलेस जंक्शन, उस जगह से भी ये विद इन 2 to 3 किलोमीटर्स है, शायद 2.8 किलोमीटर्स है। और यहाँ से कैब्स वगैरह आराम से बुक हो जाती है, तो आपको कोई असुविधा नहीं होने वाली। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अपना रूम, लेकिन उससे पहले मेरी आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमें सपोर्ट करें, और अगर आज का ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों देखिए ये रूम कितना अच्छा है, कितना नीट एंड क्लीन है, सिंपल रूम लेकिन एकदम कंफर्टेबल है और बहुत ही स्पेशियस है। स्पेशियस होने की वजह से मुझे व्हीलचेयर पे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो रही, मैं अपनी व्हीलचेयर खुद चला के यहाँ वहाँ जा सकता हूँ। और इस रूम की मतलब यहाँ की जो फैसिलिटी है उसकी दो बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, वो मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि हमें एक्स्ट्रा बेडिंग मिली है, एक्स्ट्रा बेडिंग होने की वजह से बहुत ही इजी हो जाता है। कई बार एक्स्ट्रा बेडिंग की ज़रूरत पड़ती है तो हमें कॉल करना पड़ता है या रिसेप्शन पर जाना पड़ता है, तो उसके लिए वो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे डबल डोर है, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। डोर के पास में छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है जिसमें रूल्स बता रखे हैं, और नीचे चार्जिंग पॉइंट है, तो आप यहाँ पे फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं। दूसरी जो अच्छी चीज़ मुझे लगी यहाँ की फैसिलिटी, वो है अटैच वॉशरूम अटैच बाथरूम। तो यहाँ पे जो दोनों ही चीज़ें बाथरूम एंड वॉशरूम अलग अलग बने हुए हैं लेकिन अटैच्ड है रूम के साथ, तो ये काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है। और साथ में सब रूम्स में डस्टबिन दे रखे हैं अलग से, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। और ये जो अटैच वॉशरूम अटैच बाथरूम है, मैंने दूसरे जैन धर्मशाला में भी देखा है, तो ये फैसिलिटी जैन धर्मशाला की मुझे बहुत अच्छी लगी। और अभी मैं एक बार बाहर आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से विंडो है और रेलिंग बनी हुई है, उस तरफ भी एक स्टेयर्स है, बाहर जाने का रास्ता है। और यहाँ पे कपड़े सुखाने का अलग से दे रखा है, इसलिए इन्होंने बता रखा है कि रेलिंग पे आप क्लॉथ्स ड्राई मत कीजिए, कपड़े मत सुखाएं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो जरूर आपको अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ। और अब मैं यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करता हूँ, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, हमारा अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है, तो देखता हूँ मैं आप लोगों को कितना दिखा सकता हूँ ये जैन धर्मशाला और मंदिर, वह मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। बाय फ्रेंड्स, आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।